बात दिवाली के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इस हवाले से तैयारियां भी जोश खरोश से जारी है। जम्मू के बाजारों में इन दिनों काफी रश देखा जा रहा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में बिलखसूस पटाखे, खिलौने, कपड़े और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ इन दिनों लगी है, जबकि मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और मंदिरों में भी पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि दिवाली हिंदू का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है, जो हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी बड़े जोश खरोश के साथ और अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। पिछले 4-5 सालों से तो उम्मीद नहीं थी काम की, लेकिन इस साल लग रहा था कि अच्छा काम शाम निकलेगा, लोग निकले हैं घर से। अब 1-2 दिन के बाद और थोड़ा रश पड़ जाएगा। बाकी है कि आइटम काफ़ी आई है हमारे पास, लड़ी हो गई, जैसे लड़ी हो गई है, लड़ी वगैरह, लाइटिंग वगैरह काफ़ी लगाई हैं। अब देखो कैसे निकलता है काम, उम्मीद तो है पूरी। काफ़ी उम्मीद है दुकान। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ वो तो है ही है, लेकिन अब देखो दरबार मूव हो जाता तो ज़्यादा थोड़ा रश हो जाता, हमें काम शाम थोड़ा अच्छा निकल जाता है। और वर्ग तो आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा दिवाली पर, सब खरीदारी कर रहे हैं हम। आप भी बाजारों में निकले हैं? हाँ बाजारों में निकले, आज छुट्टी है मुझे। तो क्या कुछ खरीदने जा रहे हैं? बस थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, कपड़े, बूट शूट वगैरह। दीपावली के लिए? दीपावली के लिए लेंगे, दीप लेंगे, लड़ी शनिया लेंगे। और रश हो जाएगा बाजारों में? हाँ आगे और हो जाएगा, जैसे ही नज़दीक आती जाती है। बस तो रश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बड़ा उत्साह रहता है खासकर दीपावली के पर्व पर, और लोग बड़ी नई खुशी और उमंग के साथ चीज़ें खरीदते हैं। मिठाई हुई, जैसे ये लाइटिंग हुई, नए कपड़े हुए, बर्तन हुए, हर चीज़ को एक नई उमंग और उत्साह और नई खुशी के साथ। हम भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे